सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल एंड डीटीएच इन्फॉर्मेशन चैनल को और साथ में बेल की आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिलते रहे। आइए चेक करते हैं कैसे डिश टीवी का सिग्नल हम देखते हैं। 301 जब मैसेज आता है वो सिग्नल एरर का मैसेज है। तो सबसे पहले रिमोट की जो मेनू बटन है उसको आप प्रेस कीजिए, उसके बाद आप माय डिश टीवी या फिर सेटिंग में ओके कीजिए। उसके बाद इस तरह की एक पेज आएगा, तब नीचे आके एस टी वी इन्फो सीट पर ओके कीजिए। यहाँ ओके करते ही इस तरह का एक पेज आएगा, तब आप ट्रांसपॉन्डर इन्फॉर्मेशन में ओके कीजिए। यहाँ ओके करते ही और एक पेज ओपन हो जाएगा और जितने भी ट्रांसपॉन्डर है मतलब टीपी है वो सब टीपी यहाँ दिखाएगा और जो ग्रीन कलर हो जाएगा उसमें सिग्नल है और जो रेड कलर ही रह जाएगा उसमें सिग्नल नहीं है, यही सिंबल है इसकी। और ये ट्रांसपॉन्डर की साइड में सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल क्वालिटी आपको दिखाएगा। तो देखते रहिए, जितने भी टीवी है सब में ग्रीन हो गया और ये देखिए लास्ट में 3 टीवी है इसमें रेड कलर है तो इसमें सिग्नल नहीं है। तो इसके लिए इस टीवी में जो चैनल है वो 301 का एरर मैसेज आएगा। और एक तरीके से सिग्नल देखा जाता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सेटिंग में ओके करने के बाद चैनल सेटिंग में ओके कीजिए, उसके बाद ट्रांसपॉन्डर जो लिस्ट है वहाँ आप ओके कीजिए। तो यहाँ जितना भी फ्रीक्वेंसी है सब आ जाएगा टीपी, और नीचे नीचे डाउन कीजिए यहाँ आपको सिग्नल क्वालिटी और सिग्नल स्टैंड आपको दिखा देगा, कौन सा टीपी में कितना सिग्नल है आप यहाँ भी देख पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अपडेट वीडियो और अपडेट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।